उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक गिरफ्तार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में मोबाइल फोन पर कथित रूप से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बलिया के पुलिस अधीक्षक रामकरण नायर ने बताया कि जिले के नगरा थाना में बृहस्पतिवार की रात्रि हिंदू युवा वाहिनी ही युवा के जिला मंत्री राजीव सिंह चंदेल की शिकायत पर एक अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि चंदेल ने शिकायत में उल्लेख किया है कि उन्हें एक मोबाइल नंबर से कल शाम फोन किया गया और फोन पर उसे अपशब्द कहे गए तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की और उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामले की तत्काल छानबीन की और छानबीन के बाद मोबाइल नगरा थाना क्षेत्र के कोटवाह गांव के अंकित यादव का पाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी अंकित यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्याण सिंह की अस्थियां गंगा में विसर्जित। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों को उनके बेटे राजवीर ने शुक्रवार को नरोरा इलाके में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। इससे पहले दिन में कल्याण सिंह के पोते और उत्तर प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह ने अंतिम संस्कार स्थल से अस्थियां एकत्र की। कल्याण सिंह का 21 अगस्त को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को लखनऊ में सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कल्याण सिंह का सोमवार को नरोरा में गंगा तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को अलीगढ़ जिले के अतरौली स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। बस के ट्रक से टकरा जाने से एक मासूम बच्चे समेत तीन की मौत। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर में बिजौली गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर रोडवेज की एक बस के खड़े ट्रक से टकरा जाने की घटना। एक साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देहात पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार की रात उस समय हुई जब कानपुर से आगरा जा रही बस चालक के सो जाने के बाद सड़क किनारे खड़े ट्रक से बस जा टकराए। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान आदित्य 1, निरुपत 42 और एक अज्ञात महिला के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय बस में 40 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में साइबर ठगी और हवाला में शामिल नाइजीरियाई गिरफ्तार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला में शामिल एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नाइजीरियाई नागरिक रॉबर्ट एरोमियोजो दिल्ली की खुफिया एजेंसियों को गच्चा देकर 10 वर्षों से बिना वीजा के भारत में रह रहा था और यहां साइबर ठगी से रकम एकत्र कर नाइजीरिया में अपने साथियों को भेजता था जो वहां लागोस में सरकार विरोधी आंदोलन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को उससे मिली जानकारी के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस व खुफिया टीम आगे जाँच कर रही है। वही मामले में तीन बैंकों के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच खुफिया एजेंसी कर रही है। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने बताया कि नाइजीरियाई रॉबर्ट को गिरफ्तार कर थाना फरीदपुर में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी समेत कई सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक देहात राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि रॉबर्ट को बुधवार को फरीदपुर के गोंटिया इलाके में हरपाल उर्फ मेहंदी हसन के घर से पकड़ा गया था, जब वह खाते में जमा किए गए पैसे को कथित तौर पर वसूल करने के लिए वहां गया था। पुलिस अधीक्षक अपराध सुशील कुमार ने बताया कि हरपाल का असली नाम मेहदी हसन है। उसने फर्जी नाम से राजस्थान और नोएडा में एक एक बैंक खाता खुलवा रखा है और अरबाज उसका बेटा है, उसने भी दिल्ली में दो खाते खुलवा रखे हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं चारों खातों में चार बार में करीब 80 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। फरीदपुर के हरपाल उर्फ मेहंदी हसन और उसके बेटे के आला मामले में नामजद दो अन्य अभियुक्तों की तलाश में एसओजी समेत कई टीमों को लगाया गया है, जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। पूछताछ में रॉबर्ट ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2010 में भारत आया था। वर्ष 2011 में उसका वीजा समाप्त हो गया, इसके बावजूद वह लौटा नहीं। दिल्ली में बार बार ठिकाना बदलता रहता है, इस समय द्वारका में रहता है। यह भी माना जा रहा है कि इसमें कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। बैंक सूत्रों के अनुसार इतनी रकम ट्रांसफर होने पर लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को दी ही जाती है और सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अग्रवाल ने बताया कि रॉबर्ट के साथ कई अन्य नाइजीरियन भी हैं जो ठगी करते हैं। उन्होंने दिल्ली में एक गिरोह बनाया है जो पैसे ट्रांसफर के लिए कई बेरोजगारों के खाते कमीशन पर ले लिए हैं। उसने स्वीकारा कि ठगी की रकम जिस खाताधारक को ट्रांसफर करता था उसे 10% कमीशन देता था और 5% रकम खुद के लिए रखता व बाकी नाइजीरिया भेज देता था। पुलिस इस प्रकरण को हवाला से जोड़ रही है। ठगी का मामला मानते हुए अग्रवाल ने उससे पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसने कहा कि नाइजीरिया के लागोस में सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है और वह उसका हिस्सा है, भारत में रहकर साइबर ठगी करता है और इससे मिलने वाली रकम नाइजीरिया में रहने वाले आंदोलनकारी साथियों को भेजता है।